टीवी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। डीयू ने यूजी एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड 1 का शेड्यूल जारी कर दिया है। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। दाखिले के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म एवं निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। बता दें कि आज पहले चरण के लिए 24 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लॉन्च करेंगी एनपीएस वात्सल्य स्कीम। बता दें कि इस स्कीम के तहत बच्चों का भी पेंशन खाता खोला जा सकेगा, जिससे बच्चों की लंबी अवधि में बड़ा कॉपर्स फंड उनके लिए तैयार किया जा सके। ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में चांद हल्का सा धुंधला सा नजर आएगा। भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत आज सुबह 6:12 से होगी। इंडिया एग्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट eximbank.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन्फिनिक्स ने अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में इन्फिनिक्स हॉट 55G फोन लॉन्च किया है। इस फोन को लॉन्च करने के तुरंत बाद कंपनी एक और नया फोन आज लॉन्च करने जा रही है। इन्फिनिक्स अपने ग्राहकों के लिए 108 MP कैमरे के साथ इन्फिनिक्स 045G फोन लॉन्च करने जा रही है। फरवरी 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वनडे मैचों के साथ ये दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है। आज हशमतुल्ला शाहिदी अफगानिस्तान का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, जबकि साउथ अफ्रीका ने भी अपने कप्तान टेम्बा बावुमा को बरकरार रखा है। इस सीरीज के लिए यूएई का शारजाह क्रिकेट ग्राउंड अफगानिस्तान का होम ग्राउंड होगा, यानी अफगानिस्तान इस सीरीज को होस्ट करेगा। फलोदी जिले के ग्राम पंचायत जांबा में आज से वार्षिक माधा मेले का आयोजन किया जाएगा। पूर्व तैयारियों को लेकर पुलिस थाना जांबा परिसर में बैठक संपन्न की गई थी। बता दें कि आज से मेले में भजन संध्या की शुरुआत हो। देश में अब मानसून अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अभी भी कई प्रांतों में भारी बरसात हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि आज यूपी MP बिहार के कई जिलों में बारिश की आशंका है। वही बता दें कि अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची सरयू। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। सन 1180 में आज ही के दिन फिलिप अगस्टस फ्रांस का राजा बना था। सन 1615 में आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर थॉमस रॉ जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचा था। सन 1803 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने ओडिशा के पुरी पर कब्जा किया था। सन 1809 में आज ही के दिन लंदन में रॉयल ओपेरा हाउस खुला था। सन 1851 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने प्रकाशन शुरू किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।